ट्रिब्यून के लीक के बाद उन्होंने कहा कि हमारी बायोमेट्रिक डेटा जो है वो सुरक्षित है, पर ये नहीं कहा कि और जितने डेटा है वो सुरक्षित है। करीब इस वक्त 30 से 40 लाख लोगों के पास आधार इकोसिस्टम के अंदर ये क्षमता है कि कोई भी चीज जान। तो एयरटेल इस बाध्यता का फायदा ये उठाया कि उन्होंने गैस की सब्सिडी एयरटेल के बैंक जो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आधार से लिंक करते वक्त वो भी पूछा कि आपका एयरटेल एक बैंक अकाउंट भी खोल दिया हमने, इसमें भी हाँ कर दीजिए कि आपको गैस की सब्सिडी उसमें जाए। हम इस तरह के हर चीज लिंक कर दे तो हमारे देश की आर्थिक जो आधार है उस पे खतरा ना पैदा होगा, हमारे बैंक अकाउंट्स खाली होने का खतरा नहीं बढ़ेगा क्या? तो मैं समझता हूँ यही वजह है कि हर चीज को किसी भी देश ने आज तक इस तरह से जोड़ा नहीं है। का मतलब आपका फोन अगर चोरी हो गया तो एक घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। पर इकोसिस्टम के अंदर जो आपने कहा कि एकदम निचला स्तर में जहां पर आपकी फिंगरप्रिंट आप देते हो या आपका रेटिना स्कैन होती है, तो इसको जब आप कलेक्ट करते हैं इसके बाद उनको कलेक्ट करके रखना, उनकी कॉपीज बनाना, इनक्रिप्टेड डेटा को रखना, दूसरे किसी को देना, ये हो सकता है क्या? इसके बारे में जरूर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह अभी है। सवाल है कि वर्चुअल आईडी जेनरेट करने का क्षमता मेरे ख्याल से 2 से 5% से ज्यादा लोगों का नहीं है। जो आम अगर आप बात करेंगे कि मनरेगा से लेकर हर जगह पे हमारे अंगूठा और रेटिना स्कैन होगा, जब बात करते हैं उनको कहे कि आप वर्चुअल आईडी जनरेट कर लो तो ये संभव नहीं है। अभी चीन में इसका ये हुआ है कि एप्पल फोन ने, ये आईफोन जो है उस पर एक फीचर डाला था कि वो फेशियल रिकग्निशन से फोन अनलॉक हो जाएगा, आपका शक्ल देख के फोन अनलॉक कर देगा अपने आप सॉफ्टवेयर के जरिए। तो सब चीनियों को उन्होंने एक ही समझा।